आज के इस दौर में यदि दिल में कुछ करने का जज्बा हो तो वह व्यक्ति दिन रात एक कर सभी विषम परिस्थितियों का सामना करते हुए मुकाम हासिल कर ही लेता है। लेकिन यदि वही व्यक्ति जिले ना एक हाथ है और दूसरे हाथ की सिर्फ 3 उंगलियां होने के अलावा दोनों पैरों से अपाहिज व्यक्ति एक अधिकारी IAS अधिकारी की परीक्षा पास कर ले तो ऐसे में वह और उसके परिवार वाले कितने खुश होते हुए नजर आएंगे। यह कोई कहानी नहीं बल्कि हकीकत है जो जनपद मैनपुरी के कस्बा कुरावली के मोहल्ला घरनाजपुर निवासी रमेश कुमार तिवारी के बड़े पुत्र सूरज तिवारी उर्फ रजत की है, जिन्होंने पहले ही प्रयास में सिविल सर्विसेज की परीक्षा पास कर 917वीं रैंक हासिल कर एक बड़ी उपलब्धि हासिल की है। यहां की शिक्षा प्राप्त यदि हम सूरज की शिक्षा को लेकर बात करें तो उन्होंने अपनी प्रारंभिक शिक्षा कस्बा कुरावली स्थित परशुराम मेमोरियल पब्लिक स्कूल से प्राप्त की, जिसके बाद 12वीं तक की शिक्षा मैनपुरी के SBRL सीनियर सेकेंडरी स्कूल से प्राप्त की थी। वहीं आपको उनकी स्नातक की शिक्षा की बात करें तो उन्होंने JNU से रशियन भाषा से की थी। वहीं उनका PhD की डिग्री करने के लिए भी उनका नंबर आ गया है। पिता की 3 संतानों में है सबसे बड़े। आपको बता दें कि सूरज तिवारी अपने माता पिता की 3 संतानों में सबसे बड़ी संतान है। वह 2 भाई और 1 बहन है, जिनकी बहन सृष्टि अभी BTC की पढ़ाई कर रही है, जिसके साथ ही सबसे छोटा भाई राघव BSc के द्वितीय वर्ष में है। 2017 में हो गए थे रेल हादसे का शिकार। तो वहीं सूरज के पिता ने परिधि समाचार को जानकारी देते हुए बताया कि मेरा बेटा दिल्ली में रहकर प्राइवेट नौकरी कर रहा था, जहां से वह 29 जनवरी 2017 को रेल में सवार होकर घर वापस आ रहा था कि दादरी पर किसी ने मेरे बेटे को रेल से धक्का मार दिया और उसके दोनों पैर और एक दायां हाथ पूरा कट गया, जिसके अलावा उसके दूसरे बाएं हाथ की 2 उंगलियां कट गई। 4 माह चला था एम्स में उपचार। हादसे के बाद दिल्ली स्थित एम्स में उसका 4 माह तक उपचार चला, जिसके बाद मेरा बेटा बिना हाथ और पैर के ठीक हो गया। वहीं इलाज के दौरान मेरे बेटे की मुलाकात बिहार के रहने वाले प्रकाश से हुई, जिन्होंने हमारे बेटे की काफ़ी मदद की। भगवान बनकर मेरे बेटे की जिंदगी में आई। प्रकाश आगे सूरज के पिता ने बताया कि मेरे बेटे का दिल्ली के एम्स में उपचार चल रहा था, उसी दौरान बिहार के रहने वाले प्रकाश से मेरे बेटे की मुलाकात हुई। प्रकाश ने मेरे बेटे को अपने पास रखकर अपने ही खर्चे पर पढ़ाया लिखाया और आज मेरे बेटे ने जो भी सफलता हासिल की है वह सब प्रकाश की ही देन है। हमें तो ऐसा लगता है कि प्रकाश मेरे परिवार और मेरे बेटे के लिए भगवान बनकर आए हैं। पिता हैं दर्जी तो माता है गृहिणी। अगर हम सूरज के माता पिता की बात करें तो सूरज के पिता एक टेलर मास्टर और माँ गृहिणी। सूरज के पिता के पास 1 बीघा जमीन है। पिता कपड़े सिलकर परिवार की गुजर बसर करते थे। माँ घर का कामकाज कर उन कपड़ों में कास बटन लगाकर सूरज के पिता का हाथ बटाती थी। मौके पर पहुंचे SDM कुरावली जैसे ही होने पता चला कि कुरावली के रहने वाले सूरज तिवारी ने UPSC की परीक्षा प्रथम बार में ही उत्तीर्ण की है। ऐसे ही वे सूरज तिवारी के घर पर उनके माता पिता को बधाई व मिठाई खिलाने पहुंचे। उन्होंने पूरे परिवार को बहुत बहुत शुभकामनाएं दी और क्या कहा उन्होंने, आइए हम आपको यह सुनाते हैं। एक कहावत यहाँ चर्चात हो रही है मैनपुरी की में कि अगर लगन सच्ची हो तो वाकई में सफलता मिलती है, चाहे मेहनत कितनी भी करना पड़े। कामयाबी कदम चूम ही लेती है। ऐसे में आज एक मैनपुरी का नाम रोशन हुआ है जब एक बच्चे ने IAS की तैयारी कर और वो दर्जा प्राप्त कर लिया है। मैनपुरी का ही नहीं, मैनपुरी में जनपद में पढ़ने वाले कस्बा कुरावली का नाम रोशन हो गया है। यहाँ पर तांता लगा हुआ है लोगों का, जिसने जिस व्यक्ति ने जो IAS की तैयारी कर आज परीक्षा उत्तीर्ण की है। हम उनके माँ बाप से बात करेंगे और सबसे पहले हम आपको अवगत करा दें वो व्यक्ति आखिर है कौन। उनका नाम सूरज तिवारी है। अब हम उनके माता और पिता से बात करेंगे आखिर इस कामयाबी तक पहुँचने में किसका सबसे ज्यादा श्रेय है, किसका हाथ है और आपने कितनी मेहनत की है। नमस्कार जी। नमस्कार। JK247 न्यूज में आपका बहुत बहुत स्वागत है। सर आपके लड़के ने जो ना IAS की तैयारी करके आज उत्तीर्ण पहली बार में ही उत्तीर्ण किया है, सर कितनी मेहनत और कैसे क्या और कब इनकी जो ना मतलब जन्म हुआ था और कहाँ इन्होंने शिक्षा प्राप्त की है जरा बताइए। जन्म 1994 में हुआ था आजी और जी शुरू से ही इंटर तक इन्होंने मैनपुरी से की है जी, इंग्लिश मीडियम से। उसके बाद में JNU में इन्होंने पढ़ाई की है, BSc वगैरह जो भी कुछ किया है वो JNU से ही किया है। सर अगर जो बात करें तो इनकी जो ना जन्मतिथि कब की थी? सन 1994 को जन्म हुआ, 14 नवंबर 96
या 94 94 में जी 17 सितंबर जी 14 नवंबर को इनको जन्म हुआ है। अच्छा तो सर अगर जो बात करें तो इनकी जो ना पहला क्लास कहाँ से हुआ था, शुरुआत की थी? पहला क्लास हमारे यहाँ दीक्षित जी का स्कूल है परशुराम जी, उसमें उन्होंने LKG से 8वीं तक किया है जी। उसके बाद में फिर इन्होंने मेनबरी में इंटर तक किया है जी। RBS स्कूल है उसमें SVR जी। और उसके बाद में फिर ये JNU में इन्होंने पूरी पढ़ाई किया था जी। अच्छा 2017 की अगर बात करें तो एक बहुत दुखमय आपके लिए बहुत 17 था कि जब उनका एक्सीडेंट हुआ था। सर ये कैसे एक्सीडेंट हुआ था, कहाँ हुआ था, क्या करने गए थे, क्या हाँ क्या कर रहे थे वो? सर दिल्ली से आ रहे थे आइसिंग में और दादरी में साहब इनका एक्सीडेंट हो गया था जी। किसी बच्चे ने इनको धक्का मार दिया था जी। उस वक्त सर हम फिर बहुत परेशान थे जी। उसके बाद में फिर इनका दिल्ली में इनका पुलिस वाले ले गए उनको, हमें तो बाद में पता लगा था जी। तो सर हम फिर दिल्ली में उन्होंने भर्ती करवा दिया एम्स में जी। और उसके बाद में सर 4 महीना हम वहीं रहे साहब ऐसे में, तब बड़ा मुश्किल से लोगों ने मदद की, वहाँ के लोगों ने भी मदद की जी। सर हमारे पास तो कुछ था नहीं ऐसे में, और गवर्नमेंट ने सब मतलब अस्पताल में सब उनका इलाज हुआ जी ऐसे में। और उसके बाद में फिर वहीं हमको एक लड़का मिला बिहार का जी। तो उसने JNU की बात रखी, हिसाब से पढ़े लिखे तो थे ही, फिर उन्होंने वहाँ पर उसका इनका बच्चे को साहब उन्होंने हमारे प्रकाश बाबू ने तो उसको समझाया, फिर हम लोग उसको स्कूल में गए, उनके दोस्तों से मिले, फिर उन्होंने वहाँ का माहौल देखा, फिर उन्होंने साहब फार्म आर्म भरवाया प्रकाश बाबू ने। अच्छा प्रकाश बाबू की बात करो तो वो कहाँ रहते थे? वो साहब बिहार के रहने वाले हैं। वो भी क्या टीचर थे क्या? टीचर नहीं थे, वो उसी स्कूल में पढ़ते थे। अच्छा शिक्षक मतलब DM की वो भी तैयारी कर रहे थे। अच्छा छात्री ही थे? छात्री थे। तो सहयोग दिया उन्होंने? सहयोग उन्होंने का साथ बहुत सबसे ज्यादा सहयोग हमारे प्रकाश बाबू का ही रहा, उनके आज IPS बने हुए हैं तो आज उन्हीं की मेहरबानी से बने हुए हैं, उन्होंने साहब बहुत मदद करी। अगर सूरज तिवारी की हम बात करें तो ये सर पढ़ाई में कैसे थे पहले शुरुआत से? पढ़ाई में तो सर वो शुरू से ही थी था। अब्बल नंबर आते थे। हाँ सर। अच्छा जब एक्सीडेंट हुआ था तो उस समय कैसा आपको महसूस हो रहा था? उस समय तो सर दमी निकल गई, जो कुछ राय नहीं था, आज में हम लोग इतने परेशान थे और ऐसी व्यवस्था नहीं थी सर जो कि हम 2-4 हजार रुपया हम खर्च कर सकते। अच्छा अगर जो वैसे अगर जो बात करें तो आपका व्यवसाय क्या था? हमारे साथ सिलाई करते हैं। सिलाई का काम था? टेलर थे आप? मजदूरी करते हैं। मजदूरी है वो। अच्छा अगर अगर जो बात करें तो खेती बाड़ी कितनी है? खेती बाड़ी साहब बीघा खंड केवल। तो केवल बीघा खंड ही जमीन है? आज वो उन्होंने जो तैयारी की आज सफलता उन्हें मिली है जी, महसूस कैसे करें? हमने तो साहब वो खुशी हुई साहब इस बात की कि तो आज हमारे घन्नाचूर का उसने नाम रोशन कर दिया आज हमने, और बहुत हमें साहब खुशी हुई इस बात की कि हमारे बच्चे ने आज पूरे घन्नाचूर का नाम ऊंचा कर दिया साहब, और कोई बात नहीं। तो ये तो थे हमारे साथ में पिताजी, और हम माताजी से भी बात करेंगे। अगर जो माताजी के बारे में आपका जो बात करें तो ये जो ना गृहिणी का काम करती हैं, इनका कोई और अन्य व्यवसाय नहीं था, ये केवल घर में ही रहकर अपना बच्चों का पालन पोषण, हालांकि इनके पास जो है ना 4 बच्चे थे, और आप मौजूदगी में कौन हैं, केंद्र हैं, आइए माता जी से बात करते हैं। माता जी क्या नाम है आपका? आशा जी। आशा जी कितने बच्चे हैं आपके पास? 3 बच्चे अभी मौजूद हैं। एक वैसे कितने थे? 4 थे, एक एक्सपायर हो गया। अच्छा वो एक्सपायर हो गया। अच्छा तो अब जो 3 बच्चे हैं इनका लालन पोषण करने में आप गृहिणी हैं, कितना आपको कठिनाई है आपका काम? क्योंकि बताया है कि टेलरी का काम करते थे उनके पिता, और कोई खेती बाड़ी का काम तो है नहीं, ना एक बीघा खेती थी उसमें होता भी गया है, तो किस तरह से आपने घर को चलाया और किस तरह से आपने उनको गाइड किया? तो शुरू में तो बहुत दिक्कतें आई जी, और हम भी मान लो दुकान का काम आता था तो हम भी घर पे किया करते थे, मतलब काज बटन वगैरह। हाँ काज बटन फॉले वाला वगैरह करते थे, और बच्चों को भी देखते थे, पढ़ाई लिखाई में भी थोड़ा बहुत जानते थे तो उनका सहयोग करते थे जी, और परेशानी तो बहुत ही उठाई है। अच्छा तो ये जो ना उनकी क्या उम्र होगी जब उनका एक्सीडेंट हुआ था? तब उनकी उम्र थी करीब करीब
22 साल की थी। फिर उसके बाद उन्होंने मतलब जो ना सांस नहीं छोड़ा, उन्होंने सांस नहीं छोड़ा या आपने सांस बनाया? हम लोगों ने भी उन्हें काफी मतलब उत्साहित किया जी। और जो प्रकाश बाबू मिले उन्होंने तो बहुत ही सहयोग किया जी, और उनको उकसाया भी, और इसकी प्रेरणा भी उन्होंने ही दी। मतलब मलाल नहीं होने दिया कि तुम्हारे पैर नहीं है, हाथ नहीं है, ऐसा कोई मलाल नहीं दिया, मलाल नहीं होने दिया, उत्साहवर्धन करते रहे। आज आपका लड़का मतलब जो ना एक अच्छे शिखर पर पहुंच गया है, क्या कहेंगी आप? और भगवान के आभारी हैं जी, उन्हीं का शुक्रिया अदा करेंगे। अच्छा, इसका श्रेय किसको देंगी माता जी? श्रेय भगवान का तो दुआएं होती है, आशीर्वाद होता सब कुछ, श्रेय किसको देंगी? श्रेय तो सारा का सारा प्रकाश का ही, प्रकाश बाबू बोला जो एक छात्र होते हुए भी दूसरे भगवान का बंदा बन, तो उन्होंने पैसा भी वगैरह भी खर्च किया? पैसे की जरूरत पड़ी तो हम वहाँ पे पैसा भी खर्च किया, सारा श्रेय प्रकाश बाबू। आज भी सुबह से लेके अभी तक उनके साथ ही, आज तक अभी भी साथ है, वेरी गुड, यानी मित्र हो तो ऐसा बढ़िया है। हम बात करना चाहेंगे कि भाई ने जो एक अच्छे शिखर पे पहुंची हैं, क्या मतलब कैसा महसूस कर रही है बेटा? मुझे अच्छा फील हो रहा है, उन्होंने इतना अच्छे से प्रिपरेशन की है अपनी जी, उसके अकॉर्डिंग मुझे काफी अच्छा फील हो रहा है। आप भी तो बीटीसी कर रही हैं? यस बिल्कुल। तो क्या लेक्चरर बनेंगे, क्या करेंगी, या फिर ऐसी भैया के पचनों पे जाएंगे? हाँ बीटीसी कर रही हूँ, उसके बाद सी के अकॉर्डिंग आगे देखती हूँ। चले तो ये थे परिवार के मतलब जो है इनके माता पिता और बहन, इनसे मेरी बात हुई, इन्होंने बड़ी खुशी जाहिर की है, हालांकि दिक्कतें बहुत आई है। कहते हैं मेहनत करने वाले के कदम पीछे नहीं रहते, वो आगे बढ़ने का काम ही करते हैं। कैमरामैन के साथ अनिल शाकी, GK247 न्यूज मैनपुरी। भैया ने एक मतलब जो है IAS की तैयारी करके और जो है प्रथम बार में ही परीक्षा पास कर ली है, बेटा कैसा लग रहा है? मुझे तो काफी अच्छा फील हो रहा है, उन्होंने इतने कॉन्फिडेंस से अपनी फर्स्ट टाइम में ही अपना एग्जाम क्लियर कर लिया। हाँ अच्छा, ये सूचना तुम्हें कब मिली थी? ये मुझे 1 बजे के समथिंग मिली थी। अच्छा तो 1 बजे, अब कितना बज गया है बेटा? अभी 9:15 हो रहा है। तो खाना पीना बना है क्या घर पे? नहीं अभी तो नहीं बना। क्यों है? क्या कारण है? इतनी खुशी की वजह से ना, भूख भी नहीं लग रही है, मन भी नहीं लग रहा, बस ये लग रहा है मतलब खुशी। हाँ भैया से मिलने की तमन्ना। यस बहुत जल्द, बिल्कुल अच्छा लग रहा है, बिल्कुल काफी अच्छा लग रहा है। मैं BTC कर रही हूँ, मेरा फर्स्ट सेमेस्टर है अभी। अच्छा भैया ने तो जो है ना अच्छा रैंक लिया है। अब आपकी क्या इच्छा है? मैं भी BTC कर रही हूँ, उसके बाद अगर वो मेरे मूड के ऊपर डिपेंड है, अगर मेरा और किसी में मन लग गया तो मैं उसकी भी प्रिपरेशन कर लूंगी। वेरी गुड सर। करौली के गन्नाजपुर में एक अच्छे पद पर पहुंचे हैं पहली बार में ही, सर क्या कहना चाहेंगे? पहले तो इनका परिवार को बहुत बहुत बधाइयाँ, और जो सूरज सिलेक्ट हुए हैं उनसे मेरा पहले से परिचय, क्योंकि कल तहसील कार्यालय में वो अपने कुछ कागजों के सिलसिले में आए थे, और चूंकि मैं भी अभी न्यूली रिक्रूटेड PCS ऑफिसर हूँ तो कंपटीशन से मेरा भी रिश्ता रहा है, तो मेरी उनकी काफ़ी अच्छी खासी बातें हुई। उनका जो भी काम था, जो भी उन्हें कागज बनवाने थे अपने इंटरव्यू रिलेटेड, वो मैंने बनवाए थे जी। पूरा दिन लगा था, तो मेरे ही ऑफिस में थे, पूरे दिन बैठे थे, तो हम चूँकि हम लोग दोनों कम्पिटिटिव स्टूडेंट हैं तो हम दोनों की काफ़ी बातचीत हुई थी, और मैंने उनको ये विश्वास दिलाया था कि आपका सिलेक्शन बिल्कुल होगा, और शायद मेरे विश्वास पे खड़े उतरे हैं, और मैंने कहा था कि सिलेक्शन हो तो मुझे ज़रूर बताना। और दिन के लगभग 1 बजे के आसपास सूरज का खुद में फ़ोन आया था कि सर मेरा सिलेक्शन हो गया है, तो मैं निश्चित तौर पर बताऊँ मुझे ऐसा लगा जैसे मुझे मेरा सिलेक्शन हुआ है, क्योंकि यहाँ पे और एज SDM नहीं, एज कम्पिटेटिव स्टूडेंट मैं आपको लोगों को बता सकता हूँ, और एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर होने के नाते, कि आप सब लोग समझ रहे हैं कि सूरज ने बहुत बड़ी उपलब्धि हासिल की है, लेकिन उस उपलब्धि का महत्व क्या है, वो चीज़ क्या है जी, उस चीज़ को मैं बहुत अच्छे से समझ सकता हूँ उन्होंने जो हासिल किया। सर थोड़ा अवगत करा दीजिए, क्योंकि यहाँ पर और भी जो है स्टूडेंट है। हमारे जो सूरज हैं घनराजपुर मोहल्ला के रहने वाले हैं, हमारी तहसील करौली के टाउन इलाके के हैं, उन्होंने 917 रैंक जो उत्तर आपका UPSC संघ लोक सेवा आयोग, जो सेंट्रल गवर्नमेंट की
क्लास वन की गेस्टेड सर्विसेज होती हैं, जैसे IAS है, IPS है, IFS है, या इंडियन रेलवे सर्विस, इंडियन रेवेन्यू सर्विस, इसमें जो क्लास वन गेस्टेड ऑफिसर होते हैं उसका एग्ज़ाम UPSC के माध्यम से होता है। तो उस जिसे हम सिविल सर्विसेज एग्जामिनेशन कहते हैं, उसमें उन्होंने 917 रैंक हासिल किया है, और देखते हैं बाकी UPSC जब कैडर अलाटमेंट करेगी और सर्विसेज अलाट करेगी तो देखते हैं। बेस्ट होप ऑफ फॉर द सूरज, उम्मीद तो यही है कि उनको IAS अलाट हो, बाकी जैसी ईश्वर की इच्छा। तो मेरी शुभकामनाएं हैं अपने IAS अलाट को। धन्यवाद। आप जो है ना सूरज के भाई, सबसे छोटे, क्या कर रहे हैं इस समय? BSc का काम, सेकंड ईयर। भैया ने जो ना IAS की तैयारी करके जो ना प्रथम बार में ही जो ना परीक्षा पास कर ली, कैसा महसूस कर रहे हैं? बहुत अच्छा फील हो रहा है। आप क्या करना चाहेंगे? भैया से मिलना और जॉइनिंग वॉइनिंग हो जाए। क्या आप उनसे प्रेरणा लेनी चाहिए? बिल्कुल प्रेरणा मैं तो लूँगा, मैं तो बल्कि पढ़ूंगा और उनकी सहायता से मैं अगर कुछ हो गया तो वो हो जाएंगे, मैं भी कुछ करूँगा। आप अपने दम पर क्या? मेरा नाम राजेश कुमार तिवारी जी। अगर बात करें सूरज की, तो ये सूरज तिवारी जो है ना, इनका जन्म कब हुआ था सर, और कैसी शिक्षा दीक्षा रही है इनका? साहब जन्म हुआ था सन 94 में, 1994 में सर हुआ था। बढ़िया। और शिक्षा उन्होंने शुरू से ही इंग्लिश मीडियम में पढ़े, इंटर तक करी उन्होंने पढ़ाई, उसके बाद में फिर वो JNU में ही उन्होंने एडमिशन ले लिया, और वहीं से जो MA का बोलिया शो करिए और वहीं से जो शिक्षा प्राप्त की। अच्छा, इस बीच में एक घटना घटी थी जो सूरज के है जो है ना हाथ और पैर गंवा बैठे सर, वो कौन सा दिन महसूस, कौन सी सन थी वो? सर सन 17 जनवरी को उनका साहब धक्का मार दो जाने, कहा करो भगवान जाने, वहीं से उनका एक्सीडेंट हो गया था। नहीं, किससे हुआ था सर? ट्रेन से गिर के साहब। अच्छा, तो सर इस बीच में किसने सहयोग दिया और इस शिखर तक पहुंचे हैं, किसका सबसे बड़ा सहयोग? हमारे पुलिस वाले ने किया, क्योंकि वो वहाँ पर तक दिल्ली तक ले गए, अगर वो नहीं ड्यूटी अगर सही करते तो बच्चा हमारा उस दिन किसी हालत में नहीं इस मुकाम पे पहुंच पाता जी। तो उसके बाद में हमारे डॉक्टर लोगों ने सहयोग करो, जो कि उनको फटाफट उनको इलाज कराओ, हम तो साहब उनके हाथ पाँव ऑपरेशन हो चुका था तब पहुंच पाए थे साहब जी दिल्ली साहब, और फिर वहाँ की सब लोगों ने हमके मिल के हमारा सहयोग किया साहब। अच्छा, वहाँ कोई बताते हैं कोई विशेष व्यक्ति मिला था जिस व्यक्ति ने इतना सहयोग दिया जो यहाँ तक पहुँचे सर, वो क्या नाम है उनका? वो सब इस पढ़ाई लिखाई के सहयोग में हमारे प्रकाश बाबू हैं, बिहार के रहने वाले हैं साहब, तो उन्हीं की आज जिस दिन है जो कि आज उन्होंने जिस सच्चा प्राप्त किया। कैसा महसूस कर रहे हैं आज? आज हमें साहब खुशी है, ऐसी बात नहीं, खुशी है, ऐसा नहीं। माँ बाप के अलावा जनपद का भी नाम रोशन किया, कस्बे का नाम, हमारे पूरा घन्नाथपुर का बच्चे के नाम से अच्छा ही हुआ कि हमें बहुत खुशी मिली, ऐसा नहीं, और पूरा घन्नाथपुर हमारा खुश है, पूरी बस्ती खुश है साहब, ऐसा नहीं। ठीक। हाँ सर, अगर जो बात करें तो आपका, आप क्या करते थे और कितनी खेती बाड़ी थी आप? हम साहब बताए ना, हमने साहब 1 बीघा करीब जमीन है हमारे पास जी, और हम साहब सिलाई करते हैं ये, ऐसा नहीं। तो आपके पास कितने बच्चे हैं? हमारे पास आप 4 बच्चे थे, तब एक खत्म है, वो 3 रह गए। सर अगर जो नाम बताना चाहेंगे? हाँ, बड़े का नाम था साहब राहुल कुमार तिवारी, और दूसरे का नाम था सूरज तिवारी, तीसरे बच्चा वाज सृष्टि तिवारी, और वहाँ से छोटे हुए राघव तिवारी जी। जी हाँ। अगर हम बात करें तो गुड़िया क्या कर रही है इसमें? वो डेली हमारी पढ़ रही है, BTC कर रही है। अच्छा, और राघव? राघव BSc कर रही है। अच्छा, ठीक।